Today we are going to learn structure. Structure is a collection of different data types. जैसे एरे की डिफिनेशन क्या थी, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, बट स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट डेटा टाइप्स आप यूज़ कर सकते हैं. अब जैसे एक एग्जांपल है, इसमें आपको किसी बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, उसकी प्राइस कितनी है और उसका नेम क्या है. एक मेथड यह है कि सबका एरे आप क्रिएट करो और इंडेक्सिंग में, जैसे आप नेम 3 है तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0, 1, 2. प्राइस 3 है तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, प्राइस 0, प्राइस 1, प्राइस 2. तो इंडेक्सिंग बेस पे आप इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कर सकते हैं कि 0 इंडेक्स जो है एक बुक की इंफॉर्मेशन है, 1 इंडेक्स एक बुक की इंफॉर्मेशन है और 2 इंडेक्स अनदर बुक की इंफॉर्मेशन है. तो उसके लिए आप इस तरीके से कोडिंग करेंगे. बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर लार्ज डेटा, और उसमें एक तो आप जो है सबके लिए अलग अलग एरे भी क्रिएट कर रहे हैं, बट उनका कोई एक सिंगल नेम नहीं है जिसे आप एक्सेस कर सकें. तो स्ट्रक्चर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. स्ट्रक्चर क्या करेगा, आप इन सबको एक ही डेटा टाइप में स्ट्रक्ट में ही स्टोर कर सकते हैं और उसके वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. तो स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन कैसे है, पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर नेम. तो स्ट्रक्चर नेम आप कुछ भी दे सकते हैं. यहाँ बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है तो इसलिए स्ट्रक्चर नेम बुक गिवन है. उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, फिर नेम के लिए इसने करेक्टर डेटा टाइप यूज़ किया है, फ्लोट जो है प्राइस के लिए यूज़ किया है और इंटीजर पेजेस के लिए. दीज आर द वेरिएबल्स. और उसके बाद ब्रेसेस क्लोज है और उस लास्ट में आप उसमें सेमी कॉलन लगाएंगे. अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं. जैसे इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, लिखते हैं int x, ठीक है. तो वैसे यहाँ स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपने लिखा है स्ट्रक्ट, दैट इज़ कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर नेम स्पेस ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल v1, फिर b2, फिर b3. और इस b1 b2 b3 को आप एज्यूम करेंगे, अगर b1.name इस तरीके से लिखा जाता है, b1.name, सो दिस इज अ करेक्टर. और इसमें करेक्टर जो है scanf मैंने किया है, फिर b1.price, b1.page. तो डॉट एक ऑपरेटर यूज करेंगे जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगी. इसको एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं. यहाँ हमने जो है एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है. आप इस स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन है, इसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड और उसमें स्ट्रक्चर नेम स्टूडेंट है. तो स्टूडेंट का रोल नंबर मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो वेरिएबल नेम मैंने लिख दिया रोल. और स्टूडेंट का नेम सिंगल करेक्टर अगर मुझे स्टोर करना है तो उसको मैंने नेम दे दिया. और फिर ब्रेसेस क्लोज करके सेमी कॉलन. फिर मैंने लिखा मेन, मेन के ब्रेसेस स्टार्ट किए. और इसमें इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल जब मुझे क्रिएट करना था तो मैंने क्या लिखा, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम स्पेस s1. s1 जो है वो फर्स्ट वेरिएबल है इस स्ट्रक्चर का. तो हम इसको डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं. जैसे int x इज इक्वल टू 5 आप लिखते हैं, तो यहाँ हम इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं ऐसे ब्रेसेस में. जैसे रोल नंबर इसका है 45 और सिंगल करेक्टर ए, नेम इसका ए है. इसको प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, s1 डॉट रोल नंबर के लिए रोल और नेम के लिए डॉट नेम. तो पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल, फिर डॉट ऑपरेटर, फिर नेम. तो ये दिस इज़ अ नेम. तो इसको कंपाइल किया और रन करते हैं तो आप देखेंगे स्टूडेंट रोल नंबर 45 एंड नेम 97, क्योंकि मैंने परसेंट ऑफ डी लिखा होगा. यहाँ पे परसेंट ऑफ सी आप करेंगे तो आपका करेक्टर प्रिंट होगा. वैसे वो उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट कर रहा था. तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम ए,
इस तरीके से आप देखेंगे केवल एक ही वेरिएबल के थ्रू आप डिफरेंट डेटा टाइप को एक्सेस कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं करनी है, स्कैनएफ के थ्रू एक्सेस कराना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्कैनएफ यूज़ कर सकते हैं। दिस इज अ स्कैनएफ। तो स्कैनएफ, SCANF, स्कैनएफ, और स्टूडेंट रोल नंबर परसेंट ऑफ डी, और इसके लिए क्या है, यहाँ लिखेंगे एम परसेंट एस वन डॉट रोल नंबर, ठीक है, और उसको आप प्रिंट कर सकते हैं एस वन डॉट रोल नंबर को। अब जैसे मैंने सिर्फ रोल नंबर को हम स्टोर करके और प्रिंट करना चाहें, तो इस तरीके से कंट्रोल F9 और रन किया, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है मुझे इसका रोल नंबर एंटर करने को। मैंने 66 एंटर किया, तो स्टूडेंट रोल नंबर 66, ये प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर में स्कैनएफ यूज़ करेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर के साथ आप एरे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नेम जो है सिंगल करेक्टर नहीं होता। तो मान लिया मैंने उसे 10 करेक्टर का है, तो स्टूडेंट की नेम आप स्टोर कीजिए और उसे प्रिंट कीजिए। तो यहाँ पे स्कैनएफ में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग स्टोर होगा तो परसेंट ऑफ एस, और यहाँ पे एस वन डॉट नेम ये लिखेंगे, क्योंकि नेम जो है एरे का बेस एड्रेस है। ये जो नेम है एरे का, दैट इज़ बेस एड्रेस, इसलिए एस वन डॉट नेम जो है एक एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो यहाँ से आपका स्कैनएफ के थ्रू रोल नंबर और एड्रेस स्टोर हो जाएगा, और इसको प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और प्रिंट एफ स्टेटमेंट में स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंट ऑफ एस, नेम इज एस वन डॉट नेम। अब आप इसे कंपाइल करेंगे कंट्रोल F9, कोई एरर नहीं है। रन किया तो फॉर एग्जांपल रोल नंबर एंटर किया 22 और नेम ARU, तो यहाँ आउटपुट आ गया स्टूडेंट रोल नंबर 22 और नेम स्टूडेंट अरुण। तो इस तरीके से आप एरे को भी स्ट्रक्चर के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर ये पॉइंटर हो जाता, ठीक है, हम पॉइंटर भी क्रिएट कर सकते हैं पॉइंटर, तो जहाँ डॉट है वहाँ पे सिर्फ आपको क्या सिंबल यूज़ करना है, एरो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे आप क्या यूज़ कर दीजिए, एरो, ठीक है, तो ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब आप इसको कंपाइल करेंगे कंट्रोल F9, कोई एरर नहीं है। रन किया रोल नंबर 11 PRT इसका नेम, तो रोल नंबर 11 और PRT। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना है तब आप एरो यूज़ करेंगे, और अगर आप डॉट के थ्रू यूज़ करना है तो यहाँ पॉइंटर नहीं होगा, ठीक है, एज ए वैल्यू यूज़ होगा। जैसे आप इंटीजर के साथ क्या होता था, इंट एक्स लिखते थे, और पॉइंटर के साथ इंट पॉइंटर एक्स लिखते थे। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर। थैंक यू।